इबाद मुझे एक बात बताओ कि हम तो बहुत डरते थे अपने टीचर्स से, ठीक है, अपने बचपन में। तो मैंने सुना है कि यहाँ बच्चे जो है दे लव देयर टीचर्स, ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। बड़ा हल्का सा कह रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, टीचर सामने इस वजह से तो नहीं? नहीं। किसको सबसे ज्यादा? अच्छा मुझे बताएं कि आपके हाँ यहाँ पे टर्किश टीचर्स भी हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ाते हैं, तो पसंद है आपको? आपको बहुत जोर से बहुत आपने कहा। अच्छा जी, तो क्या मतलब क्या पसंद है आपको? व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट देम? कि हमें एक नई लैंग्वेज सीखने को मिलती है। अच्छा, आपको टर्किश सिखाते हैं वो? अरे वाह। अच्छा आपको, सॉरी मुझे थोड़ा सा वो ना एक सैड बात करनी पड़ रही है, ठीक है। यू गाइस माइट हैव कम टू नो के उनको वो कहा जा रहा है कि आप अभी ना पढ़ाएं, ठीक है, चले जाएं। तो आपको लगता है कि मतलब सैड होते हो आप? नाम क्या है पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम सुफियान। सुफियान क्या कहोगे आप? मैं कहूँगा कि हमारे जो टीचर है वो हमें बचपन से पढ़ा रहे हैं, वो इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, तो फिर जब वो जा रहे हैं अब हमें खबर मिली है तो बड़ा उदास हो रहा। नॉट राइट ना, उनको नहीं जाना चाहिए। अच्छा सेशन आपका कंप्लीट करवा के जाएगी या इधर ही रहें? वापस इधर ही रहें। अच्छा चलिए, तो अच्छी बात है। बच्चों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। नाज़रीन बच्चे एक तो मन के सच्चे होते हैं और दूसरा बच्चे गैर सियासी होते हैं। तो अगर आपने अपनी सियासत या किसी भी वजह से ऐसा फैसला लेना है कि जिससे बच्चों का दिल तो उदास हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो कोर्स या उनका जो उनकी जो स्टडी है उसमें भी खर्च आ रहा है, कुछ टीचर्स यहाँ पे हैं, टीचर से बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम बच्चों का एक खास अटैचमेंट लेवल हमें टीचर्स के साथ नज़र आता है, पाकिस्तानी टीचर्स हों या फिर टर्किश टीचर्स हों, ये अगर ऐसा जो फैसला लिया गया है, ऐसे फैसले के बाद असर क्या पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर? इनका थोड़ा सा जो टर्किश के जो सब्जेक्ट है उस पर तो ज़ाहिर बात है इनका इफेक्ट पड़ेगा, बट जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो इनके एज इट इज़ ही चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आज भी इनकी स्टडी हो रही है, और बस टर्किश के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मे भी थोड़ा सा चलें बच्चों के लिए। तो आप देख रहे हैं नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चे उदास भी हैं, वो नहीं चाहते कि उनके टीचर्स जाएँ। आइए आगे चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं। खो न जाएं ये तारे जमीन पर। तो जनाब एक और क्लास में जाते हैं, पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, उनको डिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए करेंगे, लेकिन ये पैगाम देना बहुत जरूरी है। मैं पहले टीचर से परमिशन ले लूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी परमिशन से थोड़ी देर के लिए बच्चों से बात करना। yeah, sure, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुझे ये पता लगा है कि कुछ टर्किश टीचर्स जो आपको पढ़ाते थे वो जा रहे हैं यहाँ से, आप लोग कितने अटैच थे उनसे? वो मैं यहाँ से 6 साल से पढ़ रहा हूँ स्कूल में, और मुझे अभी भी उन्होंने ये अपने स्कूल अपने हाथों से बनाया, और जितनी उन्होंने स्कूल पे मेहनत की है ये उनके साथ बहुत ज़्यादती होगी, और मैं जितना उनसे प्यार करता हूँ मैं उनको जाने नहीं दूंगा। देखिए आप मतलब आप बच्चों के ये इमोशंस हैं अपने टीचर्स के लिए, और उन टीचर्स को आप अचानक से ये कह दें कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाएँ यहाँ से, तो ये बच्चों के लिए कितना शॉकिंग है। और बेटा मुझे आप बताओ कि सेशन का मिड भी है ऑलमोस्ट, और अभी आपकी पढ़ाई का भी हर्ज होगा, एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, मतलब टीचर्स के साथ उनसे आंसर क्वेश्चन करना वो मुश्किल हो जाता है अगर आप बिल्कुल अननोन बंदे के सामने चले जाएं, तो ये मुश्किल आपको लगता है पेश आएगी? जी बिल्कुल, हमारी टीचर्स के साथ एक डेवलपमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई है, हम अपने टीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं। अगर एकदम से साल के इस वक्त पे, इस क्रूशियल मोमेंट पे टीचर्स चेंज कर दिए जाएँ तो हमारी पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा, क्योंकि नए टीचर्स के साथ हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत देर लगेगी, और हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसके लिए वक्त ज़ाया करें। हमारे मुल्क में स्लोगन तो ये लगता है कि हमें दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन हम अपने ही बच्चे को पढ़ाने वाले को दुश्मन बनाए बैठे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। यहाँ पे एक क्लास के सीआर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, चले जाना टीचर्स का इस तरह से एक शौक, अचानक से आपको खबर मिली कि जी दे वॉन्ट बी टीचिंग यू एनी मोर, तो क्या फीलिंग थी फर्स्ट टाइम आपकी ये वाली? हमारी फीलिंग बिल्कुल वही थी जो अगर आपको एक ऑल ऑफ अ सडन आपको बता दिया जाए कि आपका हेड ऑफ फैमिली आपका घर छोड़ के चला जाएगा, और ऑल यू हैव टू, अगर आपको ये पता चले कि आपको उनको यानी सी ऑफ करने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आपकी क्या फीलिंग होगी? वही फीलिंग हमारी थी कि हमारे टीचर्स शायद हम कल स्कूल जाएं तो वो तब भी स्कूल ना आए हों। दिस इज शॉकिंग। नाज़रीन के बच्चों के लिए वो माने क्या रखते हैं, वो उनको हेड ऑफ फैमिली, अ पार्ट ऑफ फैमिली गर्दान रहे हैं। तो आप ये सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें, सियासी फैसले के मुताबिक तो ऐसा ये महसूस हो रहा होगा तमाम बाकी लोगों को कि जनाब ठीक है टीचर्स ही तो हैं, ये चले गए तो कोई और आ जाएगा,
लेकिन इतना आसान नहीं है। बच्चों के दिल में घर करना आसान नहीं होता।